मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो अडानी से प्रॉमिस किया वो उसे देते जा रहे हैं, कभी एयरपोर्ट देते हैं, कभी पोर्ट देते हैं, कभी रोड देते हैं, कभी तेल देते हैं, कभी पानी देते हैं, आकाश से लेके पाताल तक कोयला दे, मतलब सारी चीज दे दी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अडानी भाई को जितना माल कहा था अडानी ने उतना देते जा रहे हैं, तो अब जो बचा हुआ है वो भी निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें अडानी भाई से कॉन्टेक्ट किया हुआ है, उन्होंने उन्होंने कहा 2024 में, 2019 में, 2014 में जो फंडिंग हुई है उसके एवज में जो देश को पूरे का पूरा बेचने पे लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, सिर्फ आपने थोड़ा सा देखा है, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस कैटेगरी की है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। तो लेकिन जो कहते हैं वो करते, लेकिन जनता के साथ धोखा करते हैं। जनता से किया हुआ वादा याद नहीं रहता नरेंद्र मोदी जी को, अडानी से किया हुआ वादा याद रहता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, क्योंकि जनता तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती नरेंद्र मोदी जी के पास तक, अडानी भाई उनके पास तक पहुंच सकते हैं। तो वो वादा अडानी जी का याद रहता है, उनके मन की बात जो है जनता से करते हैं और धन की बात अडानी भाई से करते हैं। धन की बात भी तो कर लो किसी संडे के दिन में, लेकिन धन की बात अडानी से करेंगे, मन की बात जो है इस जनता से करेंगे, वो भी सिर्फ टीवी पे देख करके। तो ये समझ लीजिए कि 2024 नरेंद्र मोदी कितने भी अल्लाह मचाते रहे, क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है साफ साफ। बच्चों के लिए IIT नहीं खोले, एम्स नहीं खोले, 2 करोड़ रोजगार हर साल कहा था वो नहीं खोले, तो ये आम जनता से रिलेटेड चीजें हैं। अगर इस देश का बच्चा पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एम्स में डॉक्टरी करेगा, इलाज होगा, फ्री होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, उसे 50% करना चाहिए था, क्योंकि एक महिला का और एक पुरुष का जब वोट जो है बराबर ताकत रखता है तो उसे बराबर सीटें क्यों नहीं दी जा सकती। आपको रोकना चाहूंगे मैम, बात करेंगे मैं पहले सर की सुन लूं, एक्चुअली सर किसके सपोर्टर है वो पता चल जाए। सपोर्टर की बात नहीं है, देखिए यहाँ सपोर्ट की बात नहीं है, मेरा पता चल रहा है कि ये बीजेपी के नेगेटिव ही जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। बात सपोर्ट की और विपक्ष की नहीं है यहाँ पर। मोदी जी ने कितने एम्स इस हिंदुस्तान में खोले 2014 के बाद से, कल के पेपर में, न्यूज़पेपर में रोज गोदी मीडिया दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जितना भी आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की पार्टी गवर्नमेंट में दिखा रहा है, पूरा चांदनी चौक में। मैडम ये जो है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है किया हुआ, तो वहीं से होता है। नहीं तो वहीं से होता है, ठीक है, प्रपोजल वो देते हैं, प्रपोजल वो देते हैं, लेकिन अप्रूव तो वही करते हैं। नहीं सर, काम है ये, मैं बताता हूँ आपको, स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ही होती है जो सारा काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट तो हर स्टेट की है, लेकिन जो मेन जो है वो पूरे स्टेट को कौन चला रहा है, स्टेट को? नहीं 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 सर, यहाँ के सांसद। एक सेकंड, तो मैम आप ये बताइए कि मोदी जी ने 9 साल में क्या काम किया, 24 में क्या लगा, कितना सारा कंस्ट्रक्शन आपको जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट, वो उन्हीं के उसमें अंडर में तो आ रहा है, कोई ये तो है नहीं कि मेन केजरीवाल के आने से ही हो रहा है, काफी ऑल ओवर इंडिया में। लाइक जैसे लोग महंगाई से परेशान है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। महंगाई तो कांग्रेस की पार्टी में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं थी, तब भी बच्चे की फीस कितनी थी नरेंद्र मोदी जी के उसमें जब कांग्रेस थी, और आज देखिए तब भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। बल्कि मेरा बेटा 9th में पढ़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं वही कह रहा हूँ, ICSE में 25,000 रुपए क्वार्टरली फीस देता हूँ। अगर यही सरकारी स्कूल खुल जाएं, अच्छे स्कूल खुल जाएं, तो ICSE से CBSE से रिलेटेड तो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल खुल रहे हैं, खोल रही है, कितने ना खुल रहे हैं, फिर भी तो अभी भी रहे बच्चे की कंपेयर गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश के स्कूल से नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट का तो खैर हाल ही मुझे नहीं समझ आता, दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी है, तो आप यूपी से किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करेंगे तो IIT नहीं खोली, जो पुरानी IIT चल रही है वही चल रही है, तो सरकार तो चेंज हुई है, कांग्रेस रही कितने दिन, अगर कांग्रेस इतना काम कर रही होती या कोई और सरकार काम कर रही होती तो अब तक कितना काम कर चुकी होती आप। ये तो एक खैर जरूरत नहीं है किसी चीज को बताने की या कहने की, अगर इतना वो होता तो सार जो गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी भी चेंज हो गए होते अब तक। मैं बताता हूँ ठीक है, 24 में क्या लग रहा है फिर, जनता खुश है नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जो ये पब्लिक है खुश नहीं है, कई चीजें हर
हर जगह होती है, कोई भी सरकार आए या कोई भी जाए उससे मतलब नहीं होता, पब्लिक उसमें भी परेशान रहती है, कोई भी सरकार आए। ऐसा हुआ है कि केजरीवाल आए या उनके में लोग बहुत खुश रहे हैं? नहीं रहे हैं। अभी भी मैंने देखा ITO पे सुप्रीम कोर्ट के पास लोग आके स्ट्राइक पे बैठते हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। वो किसके उसमें? स्टेट गवर्नमेंट के उसमें, सेंट्रल के में नहीं। केजरीवाल जी के नारे ले लेके और बोर्ड लगा के और लोग भाग रहे होते हैं स्ट्राइक पे रोज आए दिन। नरेंद्र मोदी जी ने क्या वादा किया था? 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी हल्ला मचा के पूरे देश में होर्डिंग लगाते हैं, 80 करोड़ गरीब लोगों को मैंने राशन मुफ्त दिया। और आज भी छत्तीसगढ़ में जाकर के कह रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन दूंगा अगले 5 साल तक। तो नरेंद्र मोदी जी आप कर क्या रहे हो 10 साल से, जब आज भी 2014 में भी आपके देश में 80 करोड़ गरीब आदमी को राशन मुफ्त दे रहे थे और आज 10 साल के बाद भी मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। एक्चुअली मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन बात ये है, नहीं आप कर रहे हैं एक्चुअली, तो मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये चीज है नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आई हो ये सर तब भी यही बोल रहे होते, ये फैक्ट है। देखिए मैं ये फैक्ट है सर। अच्छा एक चीज बताइए, मणिपुर में एक मिनट कोई भी गवर्नमेंट होती आप यही पे खड़े होते यही बातें कह रहे होते हैं, जिसको करना होता है ना, जिसको कहना होता है, सपोर्ट करना होता है ना, वो करता ही है। मणिपुर के लिए घटना के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी सरकार जो वहाँ चल रही थी उसे जिम्मेदार मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी का तो क्या उसके पक्ष में है आप पता होना चाहिए ना, महिला किस तरफ जा रही है। हम भी महिलाएं हैं, हमें भी पता है, बेटी भी है, लेकिन ये नहीं है कि मणिपुरी जो मणिपुर में हुआ है कि वो कहीं और नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता था, हुआ था ना, तो ये नहीं आप वहाँ कर सकते हैं। तोमर मरी थी वहाँ कितने लोग पहुँच गए थे? फरीदाबाद में तोमर मरी थी लड़की, कौन पहुँच गए थे वहाँ पे कितने लोग? कन्हैया कुमार के राजस्थान में कन्हैया कुमार मरा था उसके लिए कितनी पहुँच गई फौज? और अखलाक जो मरा था पूरी अखलाक जो मरा पूरी दिल्ली पहुँच गई, पूरे UP पहुँच गया। सर मैं बताऊं आपको, जो पूरे क्यों ये देखिए कोई मुद्दे से रिलेटेड आप बात नहीं करेंगे, 9 साल का 10 साल का काम बैठे हैं सारे वहाँ पे, आज भी कह रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोगों का राशन अगले 5 मैं बता तो रहा हूँ क्या कर दिया 9 साल। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।